दोस्तों आज हम 10th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसकी एक्टिविटी नंबर 3.1.3 वो समझाने जा रहे हैं। उसका जो हमने पूरा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट तैयार किया है जो आप अपने हाथों से अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर कर सकते हैं, तो ये कैसे करना है, ये एक्सपेरिमेंट में क्या फीचर्स है, फंक्शंस है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आता है, या तो टेम्परेचर डाउन होता है या तो टेम्परेचर अप होता है। तो आज हम ये एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं जहाँ टेम्परेचर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हम ये एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे। यहाँ आपको एक टेस्ट ट्यूब दी गई है जिसके अंदर थोड़े से हमने जिंक पीसीस रखे हैं, दूसरा एक बीकर है जहाँ हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है। तो आपको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डालकर जिंक पीसीस के साथ मिक्स करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी मेटल एसिड के साथ मिक्स होती है तो वहाँ से हाइड्रोजन उत्पन्न होना तय है। तो ये एक्सपेरिमेंट ज़रा संभल के करना है, टीचर की मौजूदगी में करना है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर कर रहे हैं तो कोई फिक्र नहीं है। आइए देखते हैं। अब ये बीकर है उसके ऊपर आपको सिर्फ एक क्लिक करनी है। ये देखिए आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ आ रहा है, ये भर गया। अभी अंदर केमिकल रिएक्शन चालू हो गया है। ये देखिए बरोबर यहाँ पढ़िए, यहाँ लिखा है टेम्परेचर योर हैंड फिल्स। ये जो टेम्परेचर यहाँ देख रहे हैं वो रूम टेम्परेचर है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर का नहीं है। बरोबर समझिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर का टेम्परेचर ये नहीं दिखाई दे रहा है। ये टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब आपके हाथ पर फीलिंग आएगी कि यहाँ गर्म लग रहा है। तो ये हाथ है, ये हाथ को आप धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब पर लाइए और ये देखिए, ये आपको ये समझना है कि ये आपकी हाथ पर 30 डिग्री से 57 डिग्री तक की गर्मी फील हो रही है। अभी आप हाथ ले लेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ दोनों के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है जिससे थोड़ा संभालना है। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आपको वर्चुअली नहीं दे सकते, क्योंकि हाथ पर फीलिंग जो आ रही है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, उसकी फीलिंग वर्चुअली हम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमने ये आपको इस तरह दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ अगर आपने हाथ लगाया तो आपको टेम्परेचर हाथ पर ऊपर जाता हुआ, ऊपर चलता हुआ फील होगा। तो दोस्तों ये था आपका एक्सपेरिमेंट चेंजिंग टेम्परेचर, फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का था। पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको फिर से करना है, ये रिस्टोर का बटन यहाँ दिया गया है, आप दूसरी बार पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मज़ा आया होगा, वी होप यू एन्जॉयड द वीडियो। दूसरी बार बहुत जल्दी हम आ रहे हैं एक और इंटरएक्टिविटी लेके, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारा संपर्क है lab on laptop@gmail.com। थैंक यू अगेन।